हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। होप कि आप सब लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। आज का व्लॉग मैं शुरू कर रही हूँ। करीब करीब अभी 10:30 होने वाले थे, 10:25 ऐसे कुछ हो रहे थे, अब मैं व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। बच्चों को स्कूल छोड़ कर के आ गई, नाश्ता मैंने कर लिया और अब जो मेरे रोज़मर्रा वाले काम होते हैं उनको मैं स्टार्ट कर रही हूँ। नाश्ता करने के बाद मैंने थोड़ा सा अपना हुलिया सुधारा कह सकते हैं, क्योंकि पहले मुझे कमेंट आता था, मैं ऐसे ही व्लॉग बना देती थी ना, तो कमेंट आता था कि आप थोड़ा सा तैयार होकर व्लॉग बनाया कीजिए। तो ठीक भी है, अच्छी बात है, थोड़ा कैमरे पर प्रेजेंटेबल लगना भी चाहिए। तो अभी देखिए लग गए हैं घर के कामों में, क्योंकि घर के काम तो कभी रुकते नहीं हैं, थोड़े बहुत चेंजेस होते रहते हैं, डेली वाला काम नहीं रहता है। कभी कुछ ऐड हो गया, कभी कुछ ऐड हो गया, किसी दिन कम काम होते हैं, किसी दिन ज़्यादा काम होते हैं। तो आज थोड़े ज़्यादा काम है क्योंकि मुझे कल कहीं निकलना है, तो इसलिए मैं आज ही मैंने सोचा था अपने सारे काम फटाफट से निपटा लूँ। तो अभी देखिए किचन को मैंने क्लीन कर दिया है और साथ में ये ओढ़ने वाली चादरें हैं। बेंगलोर में हालाँकि बहुत ज़्यादा ठंड तो नहीं होती है, लेकिन फिर भी हम लोग पंखा चलाते हैं, मतलब 2 या 3 पे, तो थोड़ी सी ठंड लगती है। तो उसके लिए पतले पतले ब्लैंकेट हमने लिए हैं, तो उसी को मैंने आज लगाया वॉश करने के लिए। 2-3 दिन से करना था, लेकिन मौसम अच्छा नहीं हो रहा था और टाइम भी नहीं लग रहा था। तो आज मौसम बहुत अच्छा था तो मैंने सोचा चलो लाओ साथ के साथ धुल देते हैं। हालांकि इसके अलावा भी और काम है, और ये भी बेडशीट धोनी है, लेकिन अब मुझे जाना है 2 दिन के लिए कहीं, मैं उधर से आऊँगी उसके बाद ही वॉश कर पाऊँगी। और बाकी ये तो डेली का है, थोड़ा बहुत डस्टिंग वगैरह, क्योंकि मतलब घर ऐसी जगह पर है ना बिल्कुल मेन रोड पर, तो वो थोड़ा डस्ट आता ही रहता है। तो कुछ चीज़ें हैं जो डेली बेसिस पे करनी ही पड़ती हैं, थोड़ी सी डस्टिंग वगैरह, तो ये सब मैं कर रही हूँ। और मेरे हस्बैंड की दवाइयाँ हैं, दवाइयाँ क्या है मतलब मल्टीविटामिंस यही सब हैं, तो वो अपने सिरहाने ही रखते हैं। ये मिडिल क्लास फैमिली का मतलब ये आदत होता है, बेड पर अगर ऐसा जगह है तो उसी पर हम लोग अपना सारा सामान लाद करके रखते हैं। और कौन कौन ऐसे रखता है मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अभी देखिए इन सबको करने के बाद इसी को मैंने अभी, हालांकि अभी ज़्यादा दिन हुआ नहीं है, मेरे ख्याल से 8-10 दिन हुए होंगे ये बेडशीट बिछाए, पर इतना लाइट कलर है ना कि बहुत जल्दी गंदा हो जाता है, लेकिन अभी मैं 2-3 दिन बाद ही धो पाऊँगी इसको। तो अभी देखिए इस रूम को मैंने कर लिया है अच्छे से सेट, और दूसरा रूम तो मेरा सेट ही रहता है, हालाँकि उस पर मोस्टली मैं कपड़े सुखा सुखा करके भरते जाती हूँ, तो साफ़ ही रहता है वैसे तो। हाँ ये है कि कोई आता है तो फटाफट से उसमें का सामान हटाती हूँ मैं। तो खैर अभी देखिए ये वाला रूम हो गया है साफ, और इसके अलावा मुझे आज ही घी भी निकालना है, क्योंकि फिर 2 दिन के लिए निकलो ना, 2-3 दिन के लिए कहीं, तो फिर वो बहुत ज़्यादा टाइट हो जाता है मलाई, और अभी फ्रेश ही मतलब डेली का ये मलाई इकट्ठा हुआ था, घी भी ख़त्म होने वाला था। तो मैंने सोचा चलो आज ही निकाल लेते हैं, कल पर टालना बेकार होता है काम, मुझे ऐसा लगता है। जो करना है कर लो, टाइम लगे तो, ना टाइम रहे तो अलग बात है। तो खैर टाइम था मेरे पास, मौसम भी अच्छा था और आज पूरी एनर्जी भी थी मेरे अंदर, तो मैं फटाफट से अपने काम निपटा रही थी। और मिक्सर थोड़ा सा ख़राब चल रहा है, लेकिन फिर भी चलो काम चलाऊ है, चल जाता है काम किसी भी तरह मेरा, मैं उसी में किसी तरह अपने काम करती हूँ। तो अभी मैं मिक्सर में ही घी निकालती हूँ, क्योंकि हाथ से क्या होता है ना, भले ही ठंडा मौसम नहीं है बेंगलोर में, लेकिन मलाई इतनी ठंडी होती है ना कि हाथ उसमें काम करना बंद कर देता है, जाम हो जाते हैं हाथ जैसे। तो मुझे मिक्सर में ही निकालना थोड़ा सा सहूलियत लगती है मुझे, अगर सही बताऊँ तो। हाँ ये है कि थोड़ा सा बर्तन एक्स्ट्रा निकल जाते हैं, लेकिन फिर भी चलो कोई ना, इसको गर्म पानी से धो लेती हूँ मैं। तो अभी देखिए थोड़ी देर इसमें मैंने इसको फेंट दिया मिक्सर के जार में, और अभी इसमें मैंने डाल दिया साफ पानी, और इतनी तेज़ धूप आ रही है आप देखो, मतलब कुछ सही से क्लियर आपको दिखेगा भी नहीं, मतलब बहुत तेज़ धूप आती है किचन के विंडो से। और यहाँ पे पानी में, साफ़ पानी में धोने के बाद इस मक्खन को मैंने किया कढ़ाई में ट्रांसफ़र, और अभी फटाफट से इसका घी बना लेंगे। घी मैं फुल फ्लेम पर ही ऐसे हिलाते हुए चलाते हुए बना लेती हूँ, ऐसे होता क्या है ना कढ़ाई में बिल्कुल भी लगता नहीं है, और दूसरी बात ये बहुत जल्दी बन जाता है। बस ये ध्यान देना है कि आपको चलाते रहना है, गिरे ना। और साथ के साथ मैंने मिक्सर को भी पोंछ करके साइड कर दिया, मतलब जो उसका था,
और अभी ये देखिए फटाफट से हमारा घी 5-7 मिनट के अंदर बनके हो जाता है तैयार। इसके बाद से मैंने मशीन तो एक तरफ लगाई ही थी, साथ में जब तक धुल रहे हैं कपड़े, सारे बर्तन मैंने वॉश किए और घर के बहुत सारे काम हो जाते हैं यार, डेली के कुछ एक्स्ट्रा जुड़ते जाते हैं, किस दिन कम काम होते हैं। और ये तो मैं हमेशा ही बोलती हूँ कि देखिए बहुत से लोग बोलते हैं, मतलब बहुत से लोगों की सोच होती है कि हम लोग अकेले क्या, मतलब इन लॉज के साथ नहीं रहते हैं तो काम नहीं होता। ऐसा नहीं है यार, काम तो हर घर में होता ही है। किसको किसको ऐसा लगता है बताइएगा ज़रूर। तो देखिए अभी बर्तन धुलने के बाद अब लग गए हैं पोछा लगाने के लिए, क्योंकि कल मुझे निकलना है और फ्राइडे का व्लॉग है वैसे ये, सैटरडे को बच्चों का रहता है हाफ डे, तो इसलिए वो थोड़ा सा और हो जाता है काम वाला दिन। तो इसीलिए मैंने सोचा था आज ही ये सारे काम निपटा लूँ, कल पता नहीं लगा पाऊँगी कि नहीं। तो खैर अभी देखिए ये सारे काम मैंने कर लिए हैं। कुछ चीज़ें होती हैं लाइफ में जिनको अगर हम इग्नोर करें तो ही हम अपनी लाइफ को अच्छे से एंजॉय कर पाएंगे। सबकी बातों पर रिएक्ट करने से अच्छा है कि अपने में मगन रहो, अपना काम करते रहो। दुनिया का क्या है, दुनिया तो बोलती ही रहेगी, है ना। तो बस अब भी मैं भी वही करती हूँ। कमेंट बहुत उठपटांग से भी आ जाते हैं कभी कभी, लेकिन उसको डिलीट कर देती हूँ, मन पर नहीं लेती हूँ। और इधर उधर से भी बहुत कुछ सुनती हूँ, लेकिन अब मतलब ना मैंने कहा ना मन पर कुछ भी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि अगर आप हर किसी की बात को अगर आप अपनी दिल से लगाकर चलोगे ना तो आप कभी भी सुखी नहीं रह पाओगे, आपके मन में हमेशा कोई ना कोई दुख रहेगा ही रहेगा। तो अभी कुछ चीज़ें मैंने अपने अंदर बदल ली हैं। पहले मुझे वीडियोस को भी लेकर के मतलब थोड़ा सुनना पड़ता था, लेकिन सुनती तो खैर अभी भी हूँ, लेकिन मतलब ये है कि अगर हम कुछ गलत नहीं कर रहे हैं तो भैया करते रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा अपना भी एंटरटेन हो जाता है और कुछ मेमोरीज़ भी हो जाती हैं। तो यही है कि अगर आपको खुश रहना है तो बहुत सी बातों को इग्नोर करना पड़ता है। बस अभी खुश रहने का यही मूल मंत्र है कि सबकी बातों पर मिट्टी डालो, अपना अपने में मस्त रहो, अपने काम में, अपने घर के कामों में, और आप जो भी करना प्रेफर करते हो, जिससे आपको खुशी मिलती है, आप वो करते रहिए, आपकी ज़िंदगी बहुत आसान हो जाएगी। तो खैर अभी देखिए मैं छत पर कपड़े डाल करके आ गई थी। छत पर मैंने वीडियो इसलिए नहीं लिया क्योंकि छत पर आज कुछ खाने का प्रोग्राम चल रहा था, तो बहुत सारे लोग थे छत पर, तो मुझे अच्छा नहीं लगा वीडियो लेना। और बस छत पर से कपड़े डाल करके आई, मैंने घी ठंडा हो गया था थोड़ा सा तो उसको छान के रखा, और ये फ्लिपकार्ट से मैंने मंगाया था आटा वगैरह। आटा जब ख़त्म होने वाला रहता है ना तभी एक हफ्ते पहले मैं ऑर्डर करती हूँ। आटा था, दलिया और थोड़े से और सी चीज़ें थी, तो इन सबको मैंने ऑर्डर किया था, आ गया था वो भी। और पिछले 2-3 बार से बहुत प्रॉब्लम हो जा रही थी फ्लिपकार्ट से ऑर्डर करने में, बहुत ज़्यादा आजकल ड्रामा हो जा रहा है पता नहीं क्यों। तो खैर आ गया सामान इस बार टाइम से, वही मुझे टेंशन हो रही थी नहीं आएगा तब मैं क्या करूँगी, क्योंकि कल मुझे कहीं जाना भी था। तो खैर अभी देखिए मैंने मूंगफली लगाया था एयर फ्रायर में रोस्ट करने के लिए, मूंगफली हमारी भुन गई थी, ठंडा किया मैंने इसको, इसके छिलके निकाले, और मैं बना रही हूँ मूंगफली की चिक्की, जो कि हर किसी को बहुत ज़्यादा पसंद आती है। गुड़ गोरखपुर से आया था, मम्मी अभी मेरी आई थी पिछले महीने तो वो लेकर के आई थी, तो मैंने सोचा चलो बनाते हैं गुड़ की चिक्की। और मूँगफली तो पड़ी ही थी, इसके अलावा मुझे अभी और भी बनाना है क्योंकि 2-3 दिन बाद मकर संक्रांति, हालाँकि ये वीडियो संक्रांति के बाद ही जा रही है, खैर कोई नहीं, थोड़ा सा मेरे पास वो हो जाता है, लेकिन फिर भी मैं कंटिन्यू करने की कोशिश कर रही हूँ। और आप लोग भी सपोर्ट कीजिएगा मुझे, आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो खैर अभी देखिए मैंने गुड़ को मतलब अच्छे से पिघला लिया है कढ़ाई में, थोड़ा सा घी डाल के, और सोडा ज़रूर डालिए, बहुत खस्ता बनती है चिक्की और बहुत ही लाइट सा कलर आ जाता है अच्छा सा। तो अभी इसको जब थोड़ा सा टाइट हो जाएगा, इसका चाशनी कटोरी वाला मैंने मतलब कैप्चर ही नहीं हो पाया, कटोरी में पानी लेकर के आप डालिए, जब बिल्कुल कांच जैसा टूटने लगे तब आप इसमें मूंगफली को ऐड कीजिए, थाली को ग्रीस कीजिए, और थाली में ये पूरा मैंने मूंगफली और गुड़ का जो मिक्सचर था इसको मैंने फैला दिया है। कटोरी या उससे नहीं हो रहा था अच्छे से तो मैंने हाथ में पानी लगा करके हाथ से ही बैठा दिया गरम पे ही, और इसको थोड़ा सा कट कर लेंगे हल्के गरम पे। अभी देखिए ये टाइट होने लगता है ना तो कटता नहीं है बिल्कुल भी, तो ऐसे निशान बना लेंगे तो कटना आसान हो जाएगा। तो निशान मैंने बना लिया है, और इसके बाद मैं बच्चों को लेने चली गई थी स्कूल, स्कूल से आई उसके बाद से अभी देखिए हमारी चिक्की हो गई है ठंडी। इसको मैंने क्या किया, एक थाली में उल्टा कर दिया और हाथ से थोड़ा सा टैप टैप किया, हाथ से मुझे लग रहा नहीं रहा था कि होगा, तो मैंने क्या किया ना, लिया मैंने अदरक कूटने वाला और इससे धीरे धीरे ठोंकते हुए मैंने निकाल दिया। तो ये देखिए कितना बढ़िया से सारी चिक्की हमारी निकल गई, और ये देखिए कितनी बढ़िया सी मतलब चिक्की ये बन के तैयार हुई है। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और बस अभी इस व्लॉग को इधर ही एंड करने का टाइम आ गया है। अगर अच्छा लगा हो, पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर
नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।